नमस्कार दोस्तों, अपने दिन की एक बेहतर शुरुआत करना ना केवल पूरे दिन को अच्छा बनाने की शुरुआत करना है, बल्कि अच्छे लाइफ की शुरुआत करने के लिए भी ये काफी अच्छा होता है। इसीलिए हमें कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो हमारे दिन को अच्छा बना सके। दिन की शुरुआत यदि आप ठंडे पानी और बादाम से करेंगे तो यह भी आपकी सेहत को अच्छा बनाने के लिए और पूरे दिन को एनर्जी से भरने के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से आप ठंडे पानी और बादाम का सेवन करके अपने पूरे दिन को अच्छा बना सकते हैं। टिप नंबर 1 है ठंडा पानी। सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले आधा लीटर ठंडे पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है, जो कि पेट को साफ करने के लिए और वजन को घटाने के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। टिप नंबर 2 है बादाम। रोजाना सुबह उठने के बाद और पानी पीने के बाद रोजाना 6 से 10 बादाम या फिर अखरोट का सेवन जरूर कीजिए। ऐसा करने से शरीर के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम बनते हैं जो की मेटाबॉलिज्म रेट को कुछ हद तक और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। टिप नंबर 3 है ब्रेकफास्ट। इस सारे काम के बाद ब्रेकफास्ट थोड़ा सा भारी होना चाहिए। इसके अंदर थोड़े से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पूरे दिन वर्कआउट करने के लिए और शरीर को ऊर्जा देने के लिए हमारे शरीर के अंदर एनर्जी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ब्रेकफास्ट को अच्छा बनाए लेकिन हेल्दी बनाए। टिप नंबर 4 है कसरत। नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर की कसरत भी काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। ऐसा करने से मांसपेशियों में खिंचाव आता है और मांसपेशियों के दर्द को काफी हद तक कम करने में भी ये काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। टिप नंबर 5, खूब टहलिए। थोड़ी सी कसरत करने के बाद आप चाहें तो 30 मिनट्स की वॉक कर सकते हैं। टहलने से भी फैट काफी ज्यादा बर्न होता है और दिल की सुरक्षा के लिए भी ये काफी हद तक अच्छा माना जाता है। टिप नंबर 6, बादाम और अखरोट दोनों ही ऊर्जा के भंडार होते हैं। इसीलिए आपको स्नैक टाइम में चाहे तो आप बादाम और अखरोट का सेवन कर सकते हैं। ये ना केवल आपके मूड को रिफ्रेश करेंगे, बल्कि आपको शरीर को भी ऊर्जा से भर देंगे। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त इजाजत लेती हूँ। You